दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 अब धीरे धीरे रिटायर हो रहा है और उसकी जगह आ रहा है एक नया आधुनिक और सुपर एडवांस एयरक्राफ्ट C-295। लेकिन आखिर क्यों भारत AN-32 को छोड़कर C-295 पर इतना भरोसा कर रहा है। दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस यात्रा चैनल में। तो चलिए अब समझते हैं C-295 के इस रहस्य को विस्तार से। AN-32 भारतीय वायुसेना का पुराना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। AN-32 को भारत ने सोवियत संघ से 1980 के दशक में खरीदा था। यह मध्यम श्रेणी का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो सैनिकों, हथियारों और सप्लाई को पहाड़ी और दुर्गम इलाकों तक पहुंचाने में इस्तेमाल होता रहा। AN-32 की सबसे बड़ी ताकत थी हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस, यानी यह हिमालय क्षेत्रों और लेह लद्दाख जैसे कठिन रनवे पर भी काम कर सकता था। लेकिन अब इसकी तकनीक 40 साल पुरानी हो चुकी है। समस्या ज्यादा ईंधन की खपत, पुराने एवोनिक्स, मेंटेनेंस में कठिनाई और स्पेयर पार्ट्स की कमी, क्योंकि रूस से सप्लाई प्रभावित रहती है। यानी AN-32 ने भारत की वायुसेना की दशकों तक सेवा की, लेकिन अब समय है नए युग की शुरुआत का। C-295 नया गेम चेंजर। C-295 एक स्पेनिश ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है जिसे एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी बनाती है। भारत ने हाल ही में 56 एयरक्राफ्ट खरीदने का सौदा किया है, जिनमें से 16 स्पेन से आएंगे, बाकी एयरक्राफ्ट 40 भारत में टाटा कंपनी असेंबल करेगी। यह सौदा मेक इन इंडिया के तहत भारत को वैश्विक एयरोस्पेस हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। C-295 की खूबियां। नया डिजाइन। यह आधुनिक एवोनिक्स और डिजिटल कॉकपिट से लैस है। लोड क्षमता 9 टन तक कार्गो या 70 सैनिक ले जा सकता है। फ्यूल एफिशिएंसी AN-32 के मुकाबले बहुत कम ईंधन खर्च करता है। ऑपरेशन लचीलापन। शॉर्ट और कच्चे रनवे पर भी आसानी से उड़ सकता है। मल्टी रोल क्षमता। कार्गो, पैराट्रोपिंग, मेडिक इवैक्यूएशन और समुद्री निगरानी जैसे कई मिशनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लो मेंटेनेंस, आसानी से रिपेयर और कम ऑपरेशनल कॉस्ट। C-295 और AN-32 की सीधी तुलना। AN-32 और C-295 के फीचर इस प्रकार से हैं। AN-32 सेवा में शामिल 1984 से, जबकि C-295 2023 से। AN-32 की निर्माता कंपनी एंटोनोव सोवियत संघ और C-295 की एयरबस स्पेन। AN-32 की लोड क्षमता 6-7 टन, जबकि C-295 की 9-10 टन। AN-32 की ट्रूप कैरी कैपेसिटी 40 सैनिक, जबकि C-295 की 70 सैनिक। AN-32 का एबोनिक्स पुराना एनालॉग, जबकि C-295 का सिस्टम डिजिटल ग्लास कॉकपिट। ईंधन खपत। AN-32 की ईंधन खपत अधिकतम, जबकि C-295 की इसकी तुलना में बहुत कम। AN-32 की मेंटेनेंस कठिन और रूस पर निर्भरता, जबकि C-295 की मेंटेनेंस आसान और भारत में ही उपलब्धता। इससे साफ है कि हर मायने में C-295 AN-32 से आगे है। भारत C-295 क्यों ले रहा है? पुराने बेड़े को रिप्लेस करना। AN-32 अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड। आधुनिक एयरक्राफ्ट से वायुसेना की क्षमता बढ़ेगी। मेक इन इंडिया। 40 विमान भारत में बनेंगे, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, या न सिर्फ बॉर्डर क्षेत्रों बल्कि आपदा राहत, रेस्क्यू ऑपरेशन और स्पेशल फोर्स मिशनों में भी काम आएगा। कम खर्च, ईंधन और मेंटेनेंस दोनों में बचत होगी। रणनीतिक महत्व। C-295 सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का भी प्रतीक है। आने वाले समय में यही विमान निर्यात के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के अलावा कोस्ट गार्ड और नेवी भी कर सकती है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि क्यों भारतीय वायुसेना AN-32 को अलविदा कह रही है और C-295 का स्वागत कर रही है। यह सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच और आत्मनिर्भरता की तरफ बड़ा कदम है। आपको क्या लगता है, क्या C-295 आने वाले समय में वायुसेना की रीढ़ साबित होगा या भारत को और भी बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।
और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डिफेंस यात्रा चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।